जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रण देखिएगा। महाभारत जहाँ तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शुभलेखा के लिए कभी महाभारत नहीं हुआ। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, दिनकर जी की कविता बोले है ना, तो प्रॉब्लम ये है कि ममता बनर्जी उसको बाहर ही ना बोल दे, क्योंकि जो हिंदी भाषा बोलते हैं उसको तो ममता बनर्जी बाहर ही बाहर ही बोलते हैं। माँ दुर्गा आ गई है, देखेंगे। मैम, मिस्टेक है, मैं आज क्या कहना चाहेंगी? क्या लग रहा है आपको? आपके की खुशी लग रही है कि एक एक्शन होगा? हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, अशोत्तेर काछे कहू न तो नाही करो शीर, भय कापे कापुरुष लोड़े जाए वीर। सो जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रण देखिएगा। देखिए जहाँ तक मुझे पता चला है कि उन्होंने खुद को द्रौपदी बोला है कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ है और महाभारत शुरू होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ है, और दूसरा जो विषय है कि महाभारत जहाँ तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पलखा के लिए कभी महाभारत नहीं हुआ। दूसरी तरफ उन्होंने एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता का भी वो किया है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो यहाँ पर विवेक मरने की बात कही गई है। देखिए वो राम दिनकर जी की कविता बोले है ना, तो प्रॉब्लम ये है कि ममता बनर्जी उसको बाहर ही ना बोल दे, क्योंकि जो हिंदी भाषा बोलते हैं उसको तो ममता बनर्जी बाहर ही बोलते हैं। हमारे गृहमंत्री जी गए थे बाहर ही बोले, प्रधानमंत्री जी गए उनको बाहर ही बोले, जेपी नड्डा जी का सरनेम लेके ममता बनर्जी ने क्या तमाशा किया उसका, नड्डा गड्डा चड्डा क्या बोले। तो पहले महुआ मैत्र ठीक कर ले, कौन से पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, ममता बनर्जी की पार्टी से या सोनिया गांधी जी की पार्टी से। दूसरी बड़ी बात है कि महुआ मैत्र ने जो कारनामे किए, तो बंगाल में कहा बहते चोरेर मायर बड़ो गला, मतलब जो चोर होता है उसकी माँ ज़्यादा चिल्लाती है चोरों को लेकर, चोरी को लेकर। तो ही है, एक तो चोरी किया उसके पर सीना जोड़ी,